किसान आंदोलन में बुझा परिवार का इकलौता चिराग। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में अब तक कई किसानों की दुखद मौत हो चुकी है। पंजाब पटियाला के खेड़ी जट्टा गांव निवासी 18 वर्षीय युवा किसान नवजोत की मौत से धरना स्थल पर गमगीन माहौल छा गया। नवजोत कुछ दिन पहले ही अपने साथियों के साथ धरने में शामिल होने पहुँचा था। बीती रात नवजोत अपने साथी किसानों के साथ ट्रॉली में जाकर सो गया और जब सुबह किसानों ने उसे उठाने का प्रयास किया तो वह मृत मिला, जिससे धरना स्थल पर गमगीन माहौल हो गया क्योंकि नवजोत परिवार का एक लोता चिराग था। जो मोदी साहब का अड़ियल रवैया है, इसको त्याग देना चाहिए। अगर करवानी लेनी है हमको, बोले हमको किसी एक कतार में खड़ा कर ले, गोली से उड़ा दे, हम तैयार हैं। हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे गाँव का बच्चा गया है, पूरा पंजाब सदमे है। इसको कम से कम समझ लेना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है कि हम 6 लोग आए थे तो हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है, तो हमें बहुत दुख लग रहा है। हमें यकीन भी नहीं हो रहा, अभी ये बात को सोचते उसकी फोटोज देखते हैं तो हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों की लगातार होती मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसानों ने कहा कि एक तरफ मोदी किसानों की सुध नहीं ले रहे तो वही हरियाणा सरकार भी धरना स्थल पर किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। सुविधाओं के अभाव में सैकड़ों किसानों की अब तक शहादत हो चुकी है, जिसके लिए पीएम मोदी और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री किसानों की शहादत ही लेना चाहते हैं, तो किसानों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली मार दे। हर रोज हमारे किसान, हमारे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी टहलका।